हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को, नहीं हो तो प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली, तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नहीं उपाय कोई, अतिकाय टिकाय विदारन को, अतिकाय टिकाय विदारन को। हे वायुदेव, आप जाके लक्ष्मण के अतिकाय के वध के गुप्त उपाय बताए। उपाय करो खल मारन को। लक्ष्मण बेटा, हनुमान बेटा, प्रणाम पिताजी, दीर्घजीवी होखा। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय के सुरक्षा कर रहल बा। तुहारी शक्ति बाण से यह कवच के भेदन ना हो सकेला। ऐसे तू इस समय ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करा। खाली ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय के वध हो सकेला। ब्रह्मास्त्र किया संधान, लक्ष्मण ने मारा बाण, रथ सहित धरा पर आए गिरा। अतिकाय ने तज दिए दान, अतिकाय ने तज दिए दान। दीर्घजीवी होगा, यशस्वी होगा।
महाराज विभीषण, आप बेकार चिंता करते हाली। आप हमारे लक्ष्मण के शौर्य और पराक्रम देख ली? भैया, एकरा में हमार कुछ भी नहीं है, ये आपके आशीर्वाद के प्रताप है। आप ही जानत हैं, फिर भी हमार उत्साह बढ़ावे खातिर आप हमार प्रशंसा कर रहा हैं। ना लक्ष्मण भैया, अतिकाय के वध कैल इतना आसान ना रहे। ये काम तोरा जैसन वीर और पराक्रमी के द्वारा ही संभव हो सकत रहे। बाकी आगे चल के और भी कठिन परीक्षा के समय आई। हम कड़ा से कड़ा परीक्षा से ना डराइला विभीषण जी। आज युद्ध भूमि में रावण के चार चार बेटा और बड़का बड़का महाबली सेना नायकन के शव दूर में पड़ल बा। दृश्य तो दारुण बाही, बाकी हम ओ दृश्य के कल्पना कर रहे हैं भगवान। जब सगरी लंका एगो महान श्मशान के लिखा मृत शरीर से भरल हुई और उनका पर रोए वाला भी केहू ना हुई। प्रभु, युद्ध के परिणाम कितना भयानक होखेला। लड़े वालन के संगे उनकर संस्कृति के भी विनाश हो जाला। हाँ महाराज विभीषण, ये वो बहुत बड़ा विडंबना बा कि सदैव धर्म के शक्ति के अधर्म के शक्ति के विरुद्ध शांति के स्थापना खातिर युद्ध करे के पड़ेला। साँच तो ई बा कि मानव के सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध बा।